सुरेश जी, बहुजन समाज के लोग अधिकतर भगवानों से परहेज क्यों करते हैं ये बताएं, क्योंकि मंदिरों में नहीं जाना है, हमेशा कड़वी बातें बोलनी है, इस तरीके की बातें क्यों करते हैं बहुजन समाज के लोग? वो कड़वी बात नहीं है जी, दो और दो चार होते हैं जी। बाबा साहेब ने अपने समय में देखा जी, हमारे संत महापुरुषों ने अपने समय में देखा जी। सद्गुरु कबीर तो वास्तव में बहुत ऐसी इस तरह की बात कहकर के गए हैं कि हमारे कान और आंख खोल देते हैं जी। उन्होंने केवल मात्र एक ही धर्म के लोगों को नहीं फटकारा है जी। और धर्मों के लोगों को नहीं फटकारा है जी। तो बाबा साहेब ने जब ये समझ लिया कि भाई हमारा समाज तो इनके और कहीं तो चुंगल में नहीं आता है जी। केवल मात्र धर्म के आधार पर धार्मिक आस्था पैदा करके धर्मांध बना करके अंधविश्वास और पाखंड में डुबो करके जी। उनकी नेक कमाई जो मेहनत से कमाते हैं हमारे लोग जी। उसको लूटना जानते हैं जी। तो वो धर्म सही मायने में कोई बेहतर रास्ता नहीं जिंदगी को जीने का जी। धर्म तो एक अफीम है सही माने में, जिसमें नशे नशे में आदमी चलता रहता है और अपना सर्वस्व बर्बाद कर देता है। तो बाबा साहेब ने जब ये बात मान ली कि भाई धर्म के आधार पर ये लोग हमारे समाज को बहला करके, फुसला करके, डरा करके, धमका करके, क्योंकि इन्होंने बड़े दो तरीके अपना रखे हैं, दो ही वजह से आदमी काम करता है जी। एक तो उसको लालच देते हैं कि भाई तुझे ही स्वर्ग मिलेगा जी। और डर ये बहलाते हैं, पैदा करते हैं उसके दिलो दिमाग में कि अगर तूने ये काम किया तो तुझे नरक मिलेगा। तो नरक और स्वर्ग के चक्कर में डाल करके बहुजन समाज के पास जो कुछ भी बौद्धिक सामाजिक भाईचारा जी, आपस में मित्रता जी, प्रेम भाव है, उसे केवल मात्र ये धार्मिक अंधता जी, अंधविश्वास और पाखंडता के आधार पर तोड़ करके ये आसानी से सफल हो जाते हैं जी। तो बाबा साहेब ने ये कहा कि यदि वास्तव में तुम समाज का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहले समाज को समझा करके अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालना होगा जी। और बाहर निकाल करके तब ये जो हमारे संत महापुरुषों ने संघर्ष किया है उसको समझ करके अंधविश्वास और पाखंड से हट करके जी, और अपनी सरकार बना करके अपना कल्याण कर सकते हैं जी। इसलिए बाबा साहेब के सिद्धांतों को बहुजन समाज पार्टी मानती है, उन्हीं सिद्धांतों पर चलती है। माननीय कांशीराम साहब ने भी यही बात समझाई है कि अगर मेरे बहुजन समाज का आदमी कहीं विचलित हो सकता है, फिसल सकता है, तो धर्म के आधार पर फिसल सकता है, वरना जमाने की और कोई ताकत नहीं है। इसलिए उसको उसमें से धर्म के पाखंडवाद में से निकाल करके समाज को संत महापुरुषों के जीवन संघर्ष समझा करके तब जो अपनी सरकार के माध्यम से अपना कल्याण, क्योंकि भगवान इस जमीन पर कहीं कोई है ही नहीं, ये बात तथागत गौतम बुद्ध अपनी जिंदगी में कह गए।